चेन्नई सुपर किंग्स को मिली सीजन में सबसे पहली जीत। आईपीएल के छठे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ सुपर जॉइंट को 12 रनों से हराया। चेन्नई सुपर किंग को पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। होम ग्राउंड एमए पीजड्रम स्टेडियम में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 217 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 205 रन ही बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा बड़ा झटका। शाकिब अल हसन ने आईपीएल से हटने का किया फैसला। बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया। वह अभी तक टीम से नहीं जुड़े थे। शाकिब ने बांग्लादेश से ही कोलकाता के टीम प्रबंधन से बात की और अपना फैसला बताया। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधताओं और व्यक्तिगत कारणों के कारण उन्होंने इस लीग से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया। दिल्ली और गुजरात के मैच में स्टेडियम पहुँचेंगे ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के मैच के बीच दिल्ली की टीम के नियमित कप्तान ऋषभ पंत स्टेडियम में होंगे। वहां इस मैच में अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचेंगे। ऋषभ पंत कार हादसे के शिकार होने के बाद पहली बार लोगों के बीच होंगे। आरसीबी आईपीएल की तीसरी बेस्ट टीम, विराट कोहली का दावा। चेन्नई सुपर किंग और मुंबई को लेकर कही ये बात। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल के 16वें सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज से की। उसने अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच में दिग्गज बल्लेबाजी विराट कोहली ने 49 गेंदों पर 82 रन बनाए। उन्होंने मुकाबले के बाद कहा कि यह शानदार जीत है। केन विलियमसन के बाद एक और खिलाड़ी फिल्म के दौरान हुआ चोटिल। आईपीएल के 16वें सीजन में गुजरात टाइटंस के केन विलियमसन के बाद एक और खिलाड़ी मैदान पर फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रीस टॉपले मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में बुरी तरह घायल हो गए। इस कारण उन्हें तुरंत ही मैच से बाहर जाना पड़ा। वह फिर मैदान पर वापस लौट कर नहीं आए।